हेलो एवरीवन, मेरा नाम जगदीप शर्मा, स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक हरियाणा की बहुत बड़ी शख्सियत के पास आए हैं और उनका इंट्रोडक्शन आज मैं नहीं करवाऊंगा, ना ही मैं आज इंटरव्यू ले पाऊंगा। उनका इंटरव्यू के लिए हमारे साथ है हमारे एक बड़े मेहनती, बड़े लगनशील, आप उनको जानते भी, उनका नाम है मंजीत गौतम जी। मंजीत जी, कैसे हैं सर आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। स्टेप अप जे सर के सभी व्यूवर्स को नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं सतीश हरियाणवी जी। जी नाम जाना पहचाना है। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सतीश हरियाणवी जी। जी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आप परख कंपनी चलाते थे। जी परख कंपनी में जब आपने गाना, एक बहुत हिट गाना उस वक्त आया था मैडम बैट बोलेरो में, जी वो मेरी प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन थी आपकी, तो जब वो प्रोडक्ट आप उसको प्रोड्यूस कर रहे थे या उसका जो प्रोडक्शन का काम चल रहा था उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में कि भी क्या होगा, हरियाणा में एक नई शुरुआत हो रही है इस तरह की चीज़ों की? हमारे दिमाग में ये थी कि जो पहले म्यूजिक ट्रैक जैसे होते थे वो सेल्फ कंपोजिशन नहीं होती थी। जैसे कोई हिंदी गाना आया या कोई पंजाबी गाना आया, उसका म्यूजिक ट्रैक जो है वो कॉपी करते थे हमारे हरियाणा के कलाकार। हमने एक नई चीज दी मार्केट में, हमने अपनी कंपोजिशन बनाई और प्रहलाद फागना ने बहुत अच्छा इसको लिखा और वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हुआ जी। और जबरदस्त हिट हुआ वो फॉरेन में भी, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरब है, इंडिया के अलावा इन जगह पे भी वो बहुत चला और बहुत अच्छा बिजनेस दिया उसने। तो सतीश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पले बड़े? बस मैं जींद से बिलोंग करता हूँ, जींद में ही मेरा जन्म हुआ है और यहीं पे खेला हूँ, कूदा हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ और बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिला है जी। तो एक आपका गाना बहुत बहुत चला था जिसमें आपका अभिनय लोगों ने खूब सराहा था। अच्छा जाओ हाँ। मैं परियां वर्गी छोरी थी, मैंने मिल गया देसी राछर जी, हाँ बहुत अच्छा चला। एक्चुअली वो गाना किसी और से मैंने करवाना था, लेकिन जो कुछ कलाकार थे जो जूनियर थे उन्होंने जबरदस्ती मेरे से वो गाना करवाया। अच्छा, मतलब जबरदस्ती आपको कहते हैं कि आप इसमें अभिनय करेंगे? हाँ हाँ, ये गाना तो आपको ही करना पड़ेगा। और वो इतना शानदार रहा कि बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा, बहुत जबरदस्त अभिनय है। एक तो वो पारिवारिक गाना है, पूरा परिवार इसको बैठ के देख सकता है। एक उसके अंदर कॉमेडी प्लस थी और पूजा उड्डा को सब जानते हैं, वो मेरे साथ काम कर रही और वो जो कैरेक्टर आपने निभाया रियल लाइफ कैरेक्टर था, बिल्कुल इस तरह होता है। जी जी जी, इसलिए लोगों ने उसे खूब सराहा और उसमें लोगों ने अपना अक्ष देखा कि भाई तो मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉमेडी भी थी उसमें अच्छी जी जी। और भी बहुत सारे आपके गाने आए हैं, एक तो आके नाम जरा आप बता दीजिए। प्रोडक्शन, मेरी प्रोडक्शन में तो काफी गाने, जैसे पहला गाना हिट हुआ मैडम बैठ बुलेरो में, स्पेशल तेरी खातिर लिया, हाय रे डॉक्टरनी, हाय रे डॉक्टरनी तो बहुत ज्यादा जी हिट जी, कोठे चढ़ ललकारूं देखे मेरा दामन लियाये, हर डीजे पे बजा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा अड़वे अड़वे चाल कदे तेरा लाग जा पनी यारी, राजू पंजाबी ने गाया था, वो भी बहुत हिट हुआ। और अमित डुल का आया था एक तेरी माँ ने जाके पूछ लिया के खा, ये गाना भी बहुत चला था हरियाणा में जी। तो सतीश जी आजकल क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन अभी कल ही मैंने अपना गाना एक लॉन्च किया है, बाजना नाड़ा, बाजना नाड़ा, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है और आज एक ही दिन में उसके 2.5 लाख के करीब व्यूज हो चुके हैं। कल 1 बजे हमने रिलीज किया था, अब आप यूट्यूब खोलोगे तो आप देखोगे 2.5 लाख से ज्यादा उसके व्यूज हो चुके हैं। ये बता दीजिए कौन से चैनल पे है और पूरा नाम क्या है, कौन उसके सिंगर है? सिंगर है उसका टीआर, तरुण पांचाल, पानीपत से जो जी, पानीपत से, यानी अब तो रोहतक में है वो। अच्छा। और इसके जो हीरो है वो है विजेंद्र कड़वा, और हीरोइन है इसमें अंजलि यादव जी, तो दोनों ने अच्छा काम किया। ये भी एक पारिवारिक गाना है। चैनल कौन सा है? हरियाणवी हिट्स, हरियाणवी हिट्स जी, है ये। जी जी, हरियाणवी हिट्स पे सतीश जी का एक नया और गाना आया है बाजना नाड़ा, अगर आप उनका नया काम देखना चाहते हैं तो जाइए चैनल पर उसे सर्च कीजिए। ये हैं सतीश हरियाणवी जी, और सतीश जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जी, इसी तरह के पर्सनालिटी से मिलने के लिए स्टेप अप जे सर चैनल पर आप आते रहिए, देखते रहिए। शुक्रिया।